बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा की कहानियां नाम से अपना पॉडकास्ट लॉन्च करके एक नया कारनामा जोड़ दिया है, जहां स्टार अपनी आने वाली फिल्म के निर्माण के बारे में बात करते हैं और यह भी जानकारी देते हैं कि मूल रूप से कहानी गाना कौन गाएगा। और कुछ दिन पहले सॉन्ग जारी किया गया था। अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित आगामी फिल्म के प्रमोशन अभियान के एक हिस्से के रूप में आमिर खान हर उस चीज में शामिल हो जाते हैं जो फिल्म को और ज्यादा संगीतमय करता है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म और पहले गीत कहानी के बारे में कई बातें शेयर करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि लाल सिंह चड्ढा को बनने में कई साल लग गए। उन्होंने कहा, जून जुलाई में फिल्म को शुरू हुए 14 साल पूरे हो जाएंगे। जब से हमने इसे शुरू किया है, यह काफी पुराना सफर रहा है। पहले कुछ साल हम फिल्म के अधिकारों के पीछे भाग रहे थे। इस बारे में बात करते हुए कि उन्होंने कहानी को एक गीतात्मक वीडियो के रूप में क्यों रिलीज किया, आमिर खान ने कहा, मैं चाहता था कि लोग प्रीतम और अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा बनाए गए गीत को सुने। हमें गायकों पर विश्वास है कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है उसके लिए फिल्म के दृश्य की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता था कि हर कोई गीत को सुने और उसको अनुभव करे। एक बातचीत के दौरान अमिताभ भट्टाचार्य ने पूछा कि क्या गीत का सार राज कपूर के अनाड़ी के सदाबहार गीत जीना इसी के नाम का है पर हो सकता है। आमिर खान ने अमिताभ की बात मान ली और कहानी को दार्शनिक अनुभव बताया। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान, किरण राव और वाईकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म सिनेमा घरों में 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।